पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत जी देहरादून से, जो सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव रहती हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का समस्त किन्नर समाज की ओर से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, सबसे पहला तो मैं हमारे गुरुजी रामदेव बाबा को मैं कोटि कोटि बहुत प्रणाम करूंगी और तमाम हमारे यहाँ पे बैठी माता बहनें, हमारे नौजवान भाई, सम्मानित बुजुर्गगण, उनके भी मैं सबसे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने दुनिया में सब कुछ देखी हूं पर एक हमारे हिंदुस्तान में आज हमारे सम्मानित रामदेव बाबा की आवाज एक कोने कोने पे गूंजती है। मतलब क्यों? क्योंकि सबकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए विदेशों में, भार भार मुलुकों में आज हमारे सम्मानित रामदेव बाबा की एक नाम आवाज। अब सारे आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, महिला भी हैं, पुरुष भी है, एक मैं आपके बीच में किन्नर भी हूँ। पर मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारे सम्मानित रामदेव बाबा ने जो एक यज्ञ सिखाते हैं, ये आप लोगों के एक महिला के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, एक हमारे किन्नरों के लिए भी है, क्योंकि हमारे ज्ञान की हिफाजत के लिए हम तंदुरुस्त रह सकें। तो मेरे माता बहनों, मेरे सम्मानित, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हमारे कोटि कोटि प्रणाम हमारे रामदेव बाबा जी का भी। पर मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे सम्मानित व्यक्ति हिंदुस्तान में हमारे रामदेव बाबा से ऊपर मैंने किसी को अभी तक देखी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा बोल बोल भी नहीं पाऊंगी।